समाजवादी पार्टी की शहर नगर पालिका अध्यक्ष पद की उम्मीदवार फातिमा जबी ने किया नॉमिनेशन। आपको बताते चलें, जनपद रामपुर के तहसील सदर सभागार में समाजवादी पार्टी की शहर नगर पालिका अध्यक्ष पद की उम्मीदवार फातिमा जबी ने नॉमिनेशन कर लिया है। वहीं अब आइए सुनते हैं मीडिया से वार्ता करते हुए वो और क्या कह रही हैं। जी, नामांकन हो गया है मेरा, बस अभी कर आई हूँ मैं। मैडम, क्या चुनावी मुद्दे हैं, क्या रणनीति? चुनावी मुद्दे विकास ही होता है, और जो ये सीट है जिसमें लाइट, पानी, सड़कें, लोगों की मदद, ये सब इसमें रहता है। और अपने काम के प्रति इसमें ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि ये जनता का काम है। पाँच साल मेरे शौहर ने खिदमत की रामपुर की, और पाँच साल मैंने अब की, अभी पिछली बार मैं ही थी और अल्लाह ने मुझे फिर मौका दिया, तो इंशाल्लाह मैं फिर इससे ज़्यादा मेहनत करूँगी अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए। अच्छा, ये चुनाव आप निष्पक्ष मानती हैं कि पिछले चुनाव में आरोप लगाया था कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए थे, इस बार क्या मानती हैं? अब ये तो जब दिन चुनाव होगा उसी दिन पता चलेगा कि निष्पक्ष होगा या किस तरीके से होगा, अभी पहले से बताना मुमकिन नहीं है। भाई देखिए, मेरे शौहर बेगुनाह, आज़म खान साहब बेगुनाह, हम जितने भी शहर के लोग हैं सब बेगुनाह है, लेकिन सबको इतनी बड़ी सज़ा मिली है जो नहीं मिलना चाहिए, जिससे कि तो हद हो गई है। तो अब ये जनता को तय करना है कि इंसाफ का साथ दें, इंसाफ के साथ खड़े रहें आप लोग, बस आप सबकी मदद चाहिए। अगर आप जीतती हैं तो क्या रोड मैप बनाया है आपको? मैंने जो पिछली बार मैं जीती थी तो मैंने इतनी खिदमत की अपने शहर के लोगों की, मेरे पास जो लोग भी आते थे मेरे बस में जो काम था मैंने कभी नहीं उस काम को टाला, और जो काम नहीं होने का था बस वही काम नहीं हुआ। लेकिन मैं इतना वक्त नगर पालिका को देती थी कि मैं सुबह 10 बजे जाती थी, तो अगर मुझे काम में मग़रिब हो जाती थी तो मैं वहीं रहती थी। अच्छा, ये चुनाव में आप अकेले, आपकी शोहर अस्पताल में है, आज़म खान अस्पताल में है, पार्टी का समर्थन किस तरीके मानती हैं आप अपने आप? पार्टी साथ खड़ी है, और फिर रहा सवाल आज़म खान साहब का, और सबका सबका आशीर्वाद, सबकी दुआएँ हमारे साथ हैं, अल्लाह हमारे साथ है। और आरोप जो लग रहा है वो लगातार ही लग रहा है कि खासकर एक सिविल लाइन क्षेत्र और उसके पास में कई नगर पालिका ने अनदेखी करी और विकास नहीं कराया, खासकर एक लेकर, इसको लेकर क्या कहेंगे? इस सब चीज़ के तो गवाह आप सब भी हो, मैं किस तरह फील्ड में उतरकर मैंने काम किया है, बिना भेदभाव मैंने काम किया है। गड्ढा कॉलोनी से लेकर ज्वाला नगर से हम हमेशा जीतते चले आए हैं, मेरे शौहर ने इतना काम कराया है ज्वाला नगर में, इस सब के तो आप सब गवाह हैं। अगर कोई आरोप लगाता है तो इस वक्त तो झूठ चरम पर है, आपको पता होना चाहिए। लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हक पर हैं ही नहीं, सिर्फ झूठ का सहारा लेकर लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं।